जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल 11 क्लास में। मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी जीडीएन रेलवे। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में से जरूर पूछे जाएंगे। ये दोस्तों मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन के हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। क्यों मनाया जाता है भाई 28 फरवरी को विज्ञान दिवस? तो ये सर सीवी रमन जी हैं, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी वजह से दोस्तों 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ? तो ये हुआ था सर सीवी रमन का। ठीक है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ है? तो ये हुआ सीवी रमन जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये गलकंड, इसको इंग्लिश बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है भाई? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। क्या करता है भाई विद्युत मोटर? जो विद्युत मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है दोस्तों क्वांटासोम। क्या कहलाती है? क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या रीजन है भाई कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है? क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि पृथ्वी दोस्तों हमारी, पृथ्वी जो है दोस्तों हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पोटोमीटर। किसका? पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये होता है Pb3O4, ये है रेड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये दोस्तों होता है कोलन में। कोलन में कहाँ होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है भाई, डार्क अवेंजर क्या है? तो डार्क अवेंजर क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है भाई। क्या है डार्क अवेंजर? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का, और माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस ताविता शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो ये दोस्तों मस्तिष्क होता है। कौन सा? मस्तिष्क। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो ये हिपेरिन की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ पर हिपेरिन की मौजूदगी रहती है। नेक्स्ट, अगर हिपेरिन नहीं होगा तो दोस्तों रक्त का थक्का बनने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेंशन के द्वारा। नेक्स्ट है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये गौरियाट्रिक्स। क्या कहते हैं? गौरियाट्रिक्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया दोस्तों नामक रोग किस रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज। HTLV-2 नामक वायरस में से कौन सा रोग फैलता है? तो ये एड्स। कौन सा दोस्तों? एड्स, काफ़ी खतरनाक बीमारी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों पिट्यूरी। आपने अगर हमारी साइंस से रिलेटेड पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें पिट्यूरी ग्रंथ को काफ़ी अच्छे मेथड से बताया फिगर सहित, तो आप उसको जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। एंजाइम मूलता क्या है? तो दोस्तों एंजाइम मूलता क्या होते हैं भाई? तो ये होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत में। क्या होता है भाई? लीवर में। और यहीं पर दोस्तों हमारा क्या बनता है? पित्त रस। नेक्स्ट, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। साइनोकोवाल्मिन क्या है? साइनोकोवाल्मिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है, साइनोकोवाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई,
टेट्राथुलाइड लैड TEL में पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है भाई? क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग को दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉटिंग रेटिंग दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है दोस्तों तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भाई हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा होता है भाई? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो यही तैयार किया था जोन्स साल्केन। किसने? जोन्स साल्कने ने। नेक्स्ट है भाई, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो ये होती है दोस्तों मेथेन गैस। इसका जो वो होता है फार्मूला CH4 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। क्या कहलाती है भाई? क्वांटोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? तो ये होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट भाई, गाइटर गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों होता है भाई आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये विषाणुओं का अध्ययन करते हैं भाई। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों अगर आपको सभी विटामिन के बारे में जानना है और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो जानने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में विटामिन का लिंक दे दिया है। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप विटामिन का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट भाई, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 mm पारे के। कितना होता है भाई? 80 mm पारे के। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी यानी वायलेट। नेक्स्ट भाई, कैलोमल क्या होता है बताइए, कमेंट करिए भाई। कैलोमल क्या होता है भाई? तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि H2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, झूठा सोना, वाह भाई क्या गजब का क्वेश्चन है। झूठा सोना क्या कहलाता है भाई? फूर्स गोल्ड। क्या कहलाता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइट। ठीक है, प्रकृति में जो पाया जाता है आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट, इसको क्या बोलते हैं? झूठा सोना। क्यों बोलते हैं भाई इसको? आप लोग कमेंट करिए अगर इसकी जानकारी आपको है तो। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है भाई? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में क्या उत्प्रेरक होता है? तो ये होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है भाई? पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी क्या भाई? तो ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे है, उपग्रह है। ठीक है, एस्ट्रोडी क्या है भाई? तो ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक्सरे उपग्रह है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @A1Classes स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको इस वीडियो की PDF वहाँ मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों जाते जाते चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारे जो आने वाले अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के बाद मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।